भाई भाभी आज है नहीं, भाभी भी भाभी चौथ दिया चल खन है बटाई भाभी 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 ले चल बेटा जब मत जिगर करा आज। ओ ऐसा तो छाव में क्यों आ रही है सुबह सुबह नू बता। हाँ। यार हद की बात ना हो रही है मेरा। यार सुबह सुबह मम्मी मेरे साथ लड़ रही है, मेरा व्लॉग खराब करवा रही है, बताओ लो यार ऐसा होता है। हेलो गाइस दिस इज बलराम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और गाइस हम सुबह सुबह हो चुके हैं खड़े और पुनीत अभी जा रहा है, तो पुनीत के लिए ना मम्मी स्पेशल चीज बना रही है। स्पेशल चीज पता है क्या है? परांठे। हमारे घर के आलू के परांठे भाई सब फेमस हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। और वर्ल्ड वाइड क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं तो परांठे खाते हैं। और ये देख ये उतारे जा रहे हैं परांठे भाई, मत देखो रे। क्यों ना देखे भाई ना। आए 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 भाई यार कर रहा है आए हाय क्या बात है। पराठे मम्मी बिल्कुल, ये देखो भाई ये है माल जो इसके अंदर भरा जाता है। और भाई ये बन गया पराठा। अरे मम्मी दूसरी बार बना, मम्मी बना के दिखाइयो, चल सिखा दे मम्मी, सबने सिखा दे। फ्री में सीखे जाओ है, फ्री में सीखे जाओ। कितने रुपए ले होगी? गुरु दक्षिणा तो मिलेगी। अच्छा क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? तो गुरु दक्षिणा में चाहिए के माल घड़ो घड़ो। गुरु दक्षिणा में कोई मेरी शादी करवा दो है। हाँ। ना बढ़िया रहेगा ना, मेरी शादी करवा दो गुरु। हाँ। दक्षिणा में। ए मम्मी जब देखो जब मेरे ब्याह की लगी रहे तो मैं शर्म नहीं आवे। बैंड बज रहेगा? नहीं अभी छोटा बच्चा हूँ मैं, बड़ा दूध पी रहा हूँ अभी तो। और क्या, रोज दो भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। दो भैंसों का दूध पिलाती है। तो वही ये बन रहा है पराठा, ठीक है। और ये देखो बेचारे का हाथ फूल रहे, जल्दी जल्दी चक्कर आए ना भाई, बात कम खराब होगा। लोई बिना बन रहा लोई बिना बन दर्द हो रहा हाथ में। कोई बात नहीं भाई, भाभी आज है नहीं, भाभी भी भाभी चौथ दी आज चल खन है बटाई भाभी 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 ले चल बेटा जब मत जिगर कर आज। ओ ऐसा तो छाव में क्यों आ रही है सुबह सुबह नू बता। हाँ। भी, यार सुबह सुबह लड़ाई कर रही है मम्मी तो बता यार। हाँ। ऐसे ऐसे बात बनती है क्या? और भाई ये आ गया पुनीत। और भाई गुड मॉर्निंग, कैसा भाई है? अब पराठे बना दिए, बिल्कुल खाओ और मौज लो। और बाहर तो लगा हुआ ताला गाइस, हमने बाहर ताला लगा रखा, कभी ऐसा ना हो हमारा कबूतर उड़ जावे। तो ये ताला लग रहा बाहर, कभी ये चला ना जाए यहाँ से, है ना। बहुत दिन में आठ में फंसाए। चलो मैं इसको खाना डाल देता हूँ, मतलब खाना खिला देता हूँ भाई। पराठे हो गए रेडी भाई, ठीक है। चल भाई पुनीत हो जा स्टार्ट। कैसे लग रहे हैं पुनीत पराठे, कैसे लग रहे हैं? हैं जल्दी खा के मुझे रिव्यू दे दे। यस गाइस एक नंबर होंगे वैसे, ठीक है। मेरी मम्मी ने बनाए हैं, खराब तो बने नहीं सकते। चल खा। के है के है यार, हद की बात ना हो रही है मेरा। यार सुबह सुबह मम्मी मेरे साथ लड़ रही है, मेरा व्लॉग खराब करवा रही है, बताओ लो यार ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। चल भाई पराठे खाओ गाइस। ये देखो गाइस, ये देखो अच्छे अच्छे पराठे। जिसको भी खाना आ रहा है हमारा घर आ जाओ, मेरी मम्मी बना खुआ देगी, ठीक है। तो किस चीज की बाट देख रहा, खा लेना। मेरी बाट देख रहा हूँ। मेरी बाट देख रहा क्यों? मेरी बाट क्यों देख रहा? खा ले चल, हो जा चल। क्या बात है, कैसा लगा? बढ़िया। मुंह जल रहा है इसका। मुंह जल रहा है इसका। ओ गाइस ये आ गई चटनी, पुदीने की चटनी आ गई है। तो गाइस ये आ गया हमें मक्खन। भैया मक्खन में लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ मक्खन में और रस से खाओ। एक नंबर चीज खाओ और मौज उड़ाओ। क्यों भाई है कि नहीं? तगड़ी चीज है ना। तो गाइस हम खा रहे हैं अब मम्मी के पराठे, मजे आ रहे हैं। आप भी आ जाओ हमारे घर, इनवाइटेड हो, सारे इनवाइट हो हैं। बहुत बड़ा दिल है मेरा, आ जाओ बस तुम।
तो गाइस पुनीत हो चुका है रेडी और भाई भी आ रहा। आ गया भाई, हो गया रेडी है? छोड़े हम तेरे को, मेरा मन ना कर रहा तुझे छोड़े, तुझे ना छोड़ कर रहा मैं। गाइस पुनीत को छोड़ के आना पड़ेगा। चल मैं अपने धन्नों को कर लेता हूँ स्टार्ट। मेरे बाबू हो गई स्टार्ट। तो गाइस अभी मैं इसको छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है? ये हमारी भूरी, ये खुश हो रही है बड़ी, हैं? ब्याह की अब तू, हैं? तो गाइस ये ब्याह रही है बेचारी, इसने बहुत प्यारे प्यारे पिल्ले दिए हैं, पर वो है कहाँ? ये मेरे को समझ से बाहर जा रहा मैटर। इसने है ना मतलब बहुत लंबी घूर खोद रखी है और उसमें ब्याह है। तब कम 20 फुट लंबी है, 20 फुट लंबी है ना। और भाई साहब पता नहीं उसमें कैसे रह रहे होंगे, ये मेरे को समझ से बाहर है। पिछली बार भी इसके 2-3 बच्चे रेस्क्यू किए थे जिसमें से एक मर गया था। अब की बार मेरे को डर लग रहा क्योंकि बहुत लंबी वाली घूर है, बहुत लंबी वाली। बाकी कोई बात नहीं, परमात्मा ऊपर देखेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? तो गाइस देखा आपने, इसने अपने बच्चे कितने अंदर दे रखे हैं भाई साहब, बहुत लंबी घूर बना रखी है। पिछले साल भी यही हुआ था कि ये ना मतलब बारिश की वजह से इसकी घूर गिर गई थी, जिसमें इसके 3 बच्चे दब गए थे। निकाले तो तीनों थे पर उसमें से एक मर गया था और 2 बचे थे। अब की बार देखो क्या होता है, परमात्मा ही जाने। बाकी मज़ा आ गया भाई देख के। कल तो जब मैं आया था दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि इसने ना बच्चे और अंदर है, ये घूर वहाँ पर रख रखे थे। बाकी अब थोड़ा सा इस साइड में लिया है, आगे की साइड जहाँ इसका दरवाज़ा है। तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। जय श्री राम।